ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब इस इस्तीफे के बाद जेडीयू का वोटिंग समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। बताते चले हम आपको कि जेडीयू से सवर्ण जाति नाराज नजर आ रही है, क्योंकि जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे पहले यानी कि ललन सिंह, वो सवर्ण जाति के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह इस्तीफा देते हैं, सवर्ण जाति का वोट बैंक जेडीयू का खराब होता दिखाई दे रहा है। बताते चले हम आपको कि विजय चौधरी भी सवर्ण जाति के नेता हैं, लेकिन जो रुतबा ललन सिंह का है वो रुतबा सवर्ण जाति की किसी भी नेता का नहीं। और अब जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, तो सवर्ण जाति इससे परेशान नजर आ रही है और सवर्ण जाति का वोट बैंक अब बिगड़ रहा है। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जेडीयू पूरी तैयारी कर रही है, और इसी लोकसभा चुनाव के बीच जेडीयू को ये बड़ा झटका लगा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह इस्तीफा देते हैं और अब वर्तमान में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार हैं, यानी कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन अब जेडीयू कमजोर होती नजर आ रही है। जेडीयू का जो वोट बैंक समीकरण है वो बिगड़ता नजर आ रहा है और सवर्ण जाते इस बात से नाराज हैं, क्योंकि सवर्ण के सबसे बड़े नेता ललन सिंह है। चाहे ललन सिंह किसी भी चुनाव क्षेत्र में हो, वो एक महीने से ज़्यादा किसी भी चुनाव प्रचार में नहीं लेते हैं, वो सवर्ण जाति के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन अब जब ललन सिंह डैमेज हो गए हैं तो कहीं ना कहीं इस बात से सवर्ण जाति परेशान है, सवर्ण जाति रूठी हुई है और इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जेडीयू को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही ये खबर आई, जेडीयू में जश्न का माहौल दिखता है, जेडीयू के कई सारे कार्यकर्ता बेहद ही ज़्यादा खुश नजर आए, और अब जब इस जश्न को देखा गया तो सवर्ण जाति परेशान हो गई है, सवर्ण जाति नाराज हो गई है और इसका खामियाजा जेडीयू को आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बताते चले हम आपको कि 19 दिसंबर की बैठक के बाद जेडीयू में ये खबर फैल गई थी, ये खबर आग की तरह फैली कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं। हालांकि जेडीयू के कई सारे कद्दावर नेता इस पूरे प्रक्रम को सिरे से खारिज करते नजर आए, उन्होंने कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देंगे ही नहीं, लेकिन अब जब ललन सिंह का इस्तीफा सामने आ चुका है, ललन सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस्तीफा दे दिया और अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बन गए हैं, तो इस बात से सवर्ण जाति परेशान है, सवर्ण जाति नाराज है, क्योंकि सवर्ण के सबसे बड़े नेता ललन सिंह को जेडीयू ने डैमेज किया है। जेडीयू के इस डैमेज का जो अंजाम है वो जेडीयू को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, मुंगेर जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से ललन सिंह चुनाव लड़ते हैं और एक महीने से ज़्यादा कभी भी ललन सिंह को प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ललन सिंह का रुतबा सवर्ण जाति में बेहद ही ज़्यादा माना जाता है। और अब जब ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं तो सवर्ण जाति नाराज है, परेशान है और इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ जेडीयू धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही है, आने वाले लोकसभा चुनाव में जेडीयू क्या कुछ प्रदर्शन करती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।